हैं क्लास 11th की चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए इसमें सिंपल सी जो है ये आपको सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। जो सबसे मेन मेन जो कंसेप्ट है ना आज पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं, फिर आप धीरे 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 आपका जब कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा फिर थोड़े और लेजेंडरी टाइप के क्वेश्चन अपन करने लगेंगे। देखो ध्यान से देखो, आप लोगों ने अभी तक जो 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा है वो आपको बस इतना पढ़ाया जाता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो ये क्यों होता है ये कोई नहीं बताता 10th क्लास तक, है ना। तो अब आपको 11th क्लास की मैथ जब आप पढ़ोगे तो धीरे 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 आपको समझ में आने लगता है कि असल में क्यों होता है ये, है ना। सबसे पहले तो जो आपको उससे भी पहले ये जो है ये आपको 3.1 की जो कंसेप्ट है ना वो एक बार आप सीखो पे। सबसे पहले जैसे कोई भी क्वांटिटी मान लीजिए डिग्री के अंदर है, ठीक है, उसको आप पाई मल्टीप्लाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 से, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो देखिए। उसके बाद अगर अगर आपको डिग्री में पता करनी है तो जो भी आपको रेडियन में दी दिए तो यहीं से देखो 180 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई से कर दो, एक तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो उसके बाद, तो अगर कोई भी क्वांटिटी अगर आपको डिग्री में दी हुई है तो उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर बेस्ड आपका 3.1 है, ठीक है ना। और एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो 1 मिनट होता है ना वो 1 आवर का 60th पार्ट होता है, ये तो आपको पता है। इसे 11th क्लास में 1 मिनट को, है ना, 1 के ऊपर डैश इस तरीके से डिनोट करेंगे। जो 1 सेकेंड है ये 1 मिनट का 60th पार्ट होता है, इसे 1 और ये डबल डैश इस तरीके से इसको हम शो करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं आपका एक छोटा सा एक इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। आपकी बुक का ये अनसोल्ड है, 3.1 का पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। तो जैसे मान लो अगर आपको 25 डिग्री को, तो जो 25 डिग्री है उसे आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काटोगे तो ये देखो 5 5 जो 25 और 5 3 जा 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 6 जा 30, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन में कन्वर्ट हो गया ये आपका, ठीक है ना। ठीक है, इस टाइप के देखो ये क्वेश्चन पूछा करते हैं अक्सर, है ना ये तो। और इसी को ही जैसे मान लो अगर यही आपको अगर रेडियन में दे दिया तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 से आपका 180 कैंसिल आउट होके, और जो है आपका कॉमन सा जो क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपके अगर यदि आपको वास्तविक में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 3.1 को देखो, ये कॉमन से कंसेप्ट है, इससे आप इसको सॉल्व करना। अगर आपको डिटेल में अगर आपको मुझसे ये पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम 3.2 3.3 जो आपके मेन 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 जो आपके कंसेप्ट है ना एक बार उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्वाड्रेंट के ऊपर कि क्वाड्रेंट की असल में कैसे बनावट होती है, क्यों बनता है, क्यों होता है कोई भी चीज, क्यों का आज आपको जवाब मिलने वाला है थोड़ा बहुत। देखो लाइफ इट्स ऑल अबाउट क्यों। आप अपने लाइफ में भी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में बस इतना सा याद रखना, क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं ये। आपको कोई भी चीज चाहिए क्यों वो आपको पता होना चाहिए ना, क्यों अगर क्लियर है तो हो जाता है काम। देखो 0 0 से आगे आपका ये पाई बाय 2, पाई बाय 2 से आगे आपका कितना पाई, इधर से इधर आता है आपका 3 पाई बाय 2, ठीक है। इधर से और आगे बढ़ते हैं तो हो जाता है 2 पाई, क्लियर। इधर होता है आपका ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, इधर होता है आपका साइन और कोसेक थीटा जो है वो पॉजिटिव, ठीक है ना। इनके अलावा जो है, इनके अलावा जो दोनों बचते हैं वो क्वाड्रेंट का नाम दे देता हूँ यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव रहते हैं ना। यहाँ पर जो है वो टेन और कॉट जो है वो क्या रहते हैं बेटा, पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना। इसको लर्न कैसे रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑल एस फॉर स्टूडेंट, टी फॉर टेंथ, सी फॉर क्लास, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी याद रख कर लेते हैं, एड शुगर टू कॉफी, सी फॉर कॉफी,
अपनी अपनी इच्छा है, कुछ भी तुम्हारे जैसे जैसे लर्न कर लेना। देखो लर्न करने का मैंने आप लोगों को वैसे भी पहले भी बताया था कि कुछ लोग रटाते हैं, कुछ लोग लर्न करने के लिए अपने दिमाग में ट्रिक बिठा लेते हैं, बस यही है और कोई इलाज नहीं है। जैसे आप जब साइंस में आप पढ़ते हो 10th क्लास तक, तो आपको पता पड़ जाता है धीरे 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 कि यार लर्न तो करना ही पड़ेगा। जिसको आप 10th क्लास में ऑक्सीडेशन को पढ़ते हो कि यार ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, या हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन के, यार भूल गए यार क्या पता कौन सा जुड़ने वाला क्या था। सिंपल सा याद है, नाम में ऑक्सी जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़े तो या फिर और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन जुड़े, या फिर ऑक्सीजन हटे तो वो क्या हो जाता है आपका, रिडक्शन हो जाता है, दोनों हो जाती है तो रेडॉक्स हो जाता है ना। इसी चीज को जब आप 11th में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कि मैंने तो देखो कैसे लर्न करा था मैं, मेरा एक बार आपको अपन पढ़ रहे थे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे एक होता है, एक वर्ड मैंने याद रखा था, औकात। तुम्हें जानकर अजीब लगेगा, औकात मतलब ओ फॉर ऑक्सीडेशन, और मैं हिंदी मीडियम से था तो टी फॉर टी तय, ये जो तय है ना तय, इस तय का मतलब याद रखा था मैंने, त्यागना, त्यागना मतलब डोनेट करना। तो यानी ऑक्सीडेशन जब होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए जाते हैं, और रिडक्शन जो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा है, देखो वो तुम्हें कैसे भी, तुम्हारी लर्न करने का कोई वो नहीं है, तुम्हारा खुद का संवैधानिक अधिकार है, तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हारे जैसा मन करे ना तुम वैसे लर्न कर सकते हो। देखो ट्रिक कुछ भी हो, कुछ लोग कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लर्न कराते हैं ना, वो सब अपनी अपनी है। देखो आगे सुनो, तो ये हमारा हो गया, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि देखो ये पाई 2 पाई 3 पाई का क्या लॉजिक है। आपने जो अभी तक 10th क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था sin 30 की वैल्यू, ये डिग्री में थी, अब आपको रेडियन में पढ़नी पड़ेगी। तो होती तो वही है, लेकिन देखो जैसे ये इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे देखो मैंने आपको बताया क्या, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 को पाई अपॉन 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 पाई बाय 6 आ जाता है, तो इसे ही आप पाई बाय 6 कहोगे, इसे ही आप पाई बाय 6 कहोगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जिसे आप जैसे देखो 0, फिर ये 90 है जिसे आप पाई बाय 2 कह रहे हो, क्योंकि इसको 180, देखो 180 पाई, अब जैसे मान लो 90 है तो 90 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 92 जब 180 तो पाई बाय 2 आ गया ना ये, फिर पाई फिर 3 पाई बाय 2, ठीक है। यहां से हम एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहां से हम एक चीज देखो, जैसे अब आप ये इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी जब एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं ये इधर, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या होता है, हमारा एंगल देखो देखे कम कम हो रहा है या बढ़ रहा है, देखो 0 से π/2 हुआ, π/2 से पाई हुआ, यानी बढ़ रहा है, तो यानी जो एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और जो क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज पर अगर हम बात करते हैं, क्लॉकवाइज देखो ये घड़ी की दिशा ये, तो देखो पहले π/2 था फिर 0 पे आ गया, 2π था तो 3π/2 पे आ गया, यानी कम होता जा रहा है, तो वहां पर एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक है क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपका बेसिकली जितना भी आपको जरूरत है उतना आपका हो गया, ठीक है ना। अब आगे आगे सुनो, देखो इसमें जो भी आपका काम, आपकी काम की चीज है वो मैं आपको धीरे 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 बताता रहूंगा, आप इसको नोट, और नोट्स देखो हमेशा खुद के बनाया करो, किसी की कॉपी लेके, सबसे बड़ी आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है एक तो रेगुलर नहीं रहता, रेगुलर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी। अगर आप रेगुलर, देखो स्कूल हो, कोचिंग हो, दुनिया का कोई सा भी संस्थान हो, अगर आप रेगुलर नहीं जाते ना तो सबसे बड़ी गलती आपकी है, रेगुलर रहो, नहीं जाते रेगुलर पढ़ो उसको। हम क्या करते हैं, 2 दिन 5 दिन गए फिर कभी मामा जी के फूफा जी के किसी के शवामणि कावड़ यात्रा इसी में हम लोग पूरे हो गए, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ना है तो देखो कई चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, है ना। रेगुलरिटी बनाओ अपने आप में, कोई भी चीज कंसिस्टेंसी बनाओगे तब जाकर समझ में आने लगती है। आप ये नहीं कि आपने, तो रेगुलरिटी जितनी हो सकती है ना उतनी आप बढ़ाओ, रेगुलरिटी बढ़ाओगे ना तब आपको धीरे 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 चीजें समझ में आने लगेगी। अब आगे सुनो, देखो अब हम बात करते हैं कि बचपन में तो ये 10th क्लास का था मैं, यही कोई 15 1 साल का, दे चांटे मार मार के बड़े भैया ने लर्न करा दिया, बोल sin 90 cos थीटा, कॉस थीटा बोल, कॉस 90 थीटा साइन, क्यों तो पता ही नहीं है, होता है बस बोल दिया ना, तेरे को होता है मतलब होता है, ठीक है। अब उस चीज का धीरे 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 जब समझ में आया
तो हम 11th में जब हमने पढ़ा तब जाके हमें क्वाड्रेंट जब हमने स्टडी करा तो हमें पता पड़ा, अच्छा यार इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो मुझे पता चला तो मैं अपने तक क्यों रखूं, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, आप भी पढ़ो। देखो तो बेसिकली साइन, अब मैं यहाँ पर 90 को है ना वो पाई बाय टू लिख रहा हूँ, तो पाई बाय टू माइनस थीटा, जो होता है वो आपका कॉस थीटा होता है ना, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है, साइन कॉस टेन कॉट, पाई बाय टू माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। उसके बाद में सेक पाई बाय टू माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो इधर, देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस थीटा, 90 से हम कम पर आ रहे हैं, हम 90 से कम पर आ रहे हैं, 90 से कम पर आने के लिए तो देखो फिर चीजें हमें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या है क्यों है, वो क्या है और क्यों है ना। सुनो देखो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो यही रहेगा, यही जब ये रहेगा तो ये हमेशा अपने अपने दोस्त में कन्वर्ट हो जाता है, दोस्त ये तो उल्टे हैं, ये तो उल्टे हैं, ये तो आपस में मियाँ बीबी है, ऐसे याद रखो, या मान लो ये मियाँ बीबी है ये तो दोस्त है, तो मियाँ बीबी में कन्वर्ट हो जाता है, मियाँ बीबी तो क्या कन्वर्ट, मियाँ बीबी में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, मियाँ बीबी का कन्वर्टेशन नहीं, तुम तो ऐसे याद रखो कि बेसिकली अपने दोस्त में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड थर्ड फोर्थ की तो बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ देखो पाई बाय टू माइनस थीटा, तो यही रह गए, हमेशा अपने दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, ये पाई बाय टू माइनस थीटा, कर दोगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, साइन थीटा रह गया है ना, साइन थीटा हमेशा बेसिकली हम पाई बाय टू माइनस जीरो और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो इनमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब हम और आगे जब हम बढ़े तो हमें पता पड़ा अगर इनकी जगह क्या कर दें, यदि इनकी जगह पाई रह जाए, पाई ओनली और पाई, देखो ये हो नहीं हो वो बाद की बात है, अभी फिलहाल के लिए आप देखो क्या मैं जो बताना चाहता हूं, देखो पाई माइनस थीटा, अब पाई में से कम करना है, पाई में से कम करोगे तो यही आ जाओ, ठीक है साहब आ गए। अच्छा एक जगह तो फिर तो पाई प्लस की भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कौन मना कर रहा, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, अभी आप फिलहाल माइनस की देखो, देखो साइन पाई माइनस थीटा तो हम यहाँ पर बेसिकली यही रहेंगे हम लोग, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में, बेसिकली ये साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक अगर पॉजिटिव रहता है तो हम क्या करें, तो आप ये करो पाई माइनस थीटा, पाई तो यानी ये तो एक्स एक्सिस को ले रहा है यहाँ पर, अभी पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू तो वाई एक्सिस को लेता है, तो ये एक्स एक्सिस, को जब लिया जाता है तो कन्वर्ट नहीं होता है, बस साइन कन्वेंशन का अंतर रहेगा, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपके एज इट इज रहेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है जैसे साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक में ही रहेगा, और ये कोसेक में ही रहेगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई साहब, ठीक है अब एक चीज है क्या कि पाई माइनस तो यहां पर ही है, तो यहां पर साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, बाकी तो क्या है नेगेटिव है, तो साइन और साइन साइन पॉजिटिव, ठीक है कॉस नेगेटिव है यहां पर, अरे इन दोनों को छोड़कर सब नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सेक नेगेटिव, कोसेक कॉसेक कैसा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगली बात समझ में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, देख लो एक बार इसको, नोट डाउन करो, देखो आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे देखो अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, यदि मैं इसमें प्लस लगा दूं तो क्या कुछ नहीं, अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं भाई, बहुत कुछ हो जाएगा कुछ नहीं, तो देखो पाई प्लस तो अब हम टेन और कॉट में पहुंच गए, टेन और कॉट ही यहां पर पॉजिटिव है, बाकी तो क्या है नेगेटिव है, तो टेन और कॉट को तो कर दो पॉजिटिव
और बाकी को बना दो नेगेटिव। टेन और कॉट को ये पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव और पॉजिटिव, बाकी तो क्या है नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? तो ये बात यहाँ पे भी हो गई, यहाँ का चली लिया, अब यहाँ आना है। अब यहाँ अच्छा एक बात और सुनो, किसे क्या क्या लिख सकते हैं वो भी एक बार सीख लो। देखो जीरो प्लस तो लिख नहीं सकते, जीरो प्लस वाला जो लॉजिक है, जैसे कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर 90 में से आपने थीटा लेस करा, इससे बढ़िया आप जीरो में ही थीटा जोड़ दो तो तब भी तो आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। देखो उसमें क्या है, जीरो में पहली बात तो कुछ ऐड किया नहीं जाता ही। आगे सुनो पाई बाय टू माइनस, अब कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर पाई माइनस लिखा तो पाई बाय टू प्लस भी तो लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उसका मतलब यही होता है। अरे इसे है ना, इसे पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और पाई बाय टू प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन से क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। जैसे कि देखो ये पाई, तो पाई में से कुछ लेस करा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाय टू में से कुछ जोड़ा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों का अर्थ एक ही है, अगली बात समझ में। ठीक है इसमें बात करो, पाई प्लस में कुछ जोड़ो, एक ही बात है किसके, थ्री पाई बाय टू में से कुछ घटाने के, थ्री पाई बाय टू में से कुछ घटाओगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो एक बात यह आई समझ। ठीक है, या तो टू पाई माइनस लिखो या फिर थ्री पाई बाय टू प्लस लिखो। तो हम एक काम कर लेते हैं, टू पाई माइनस ही लिख लेते हैं, टू पाई माइनस ही लिख लेते हैं। तो देखो एक चीज बेटा, जो लोग मैथ ले रखे हैं वो भी और जो लोग बायो ले रखे हैं वो भी, दोनों के लिए कारगर साबित होने वाला है ये वीडियो। उसका कारण बता देता हूं, अभी यहां नहीं तो आप 11th 12th में ही रहकर जब आप फिजिक्स की कुछ डेरिवेशंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप ये चीज कर ही लेना लर्न। ठीक है ना, अब आगे सुनो, फिर होता है आपका टू पाई, टू पाई, और यहां पर हमें क्या करना है माइनस, तो ये इस प्लस को भी हटा दो, माइनस माइनस टू पाई माइनस टू पाई माइनस टू पाई माइनस, क्लियर? अब देखो साइन टू पाई माइनस थीटा, तो ये क्या? अच्छा एक्स एक्सिस को जब लेते हैं तो कन्वर्ट नहीं होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, और जब वाई एक्सिस को लेते हैं तो ये अपने दोस्त में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप थ्री पाई बाय टू प्लस भी लिख सकते हो, थ्री पाई बाय टू प्लस, अब जब ये है तो टू पाई माइनस, तो लगभग हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। यहां पर कॉस और सेक जो है वो क्या रहते हैं बेटा, नेगेटिव, वो पॉजिटिव रहते हैं और बाकी में चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो कॉस और सेक तो रहेंगे पॉजिटिव, बाकी देखो लिखना तो ऐसे एज इट इज ही है, लेकिन ये देखना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक रख दिया पॉजिटिव, बाकी रख दिया हमारा नेगेटिव। अगली बात समझ में, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, अच्छा अभी तक भी अगर नहीं समझ में आए तो आप इस चीज को, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पे और अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। अब अभी आप बने रहो, आगे देखो अभी तो। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ वेयर एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ वेयर एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है अगर एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये रहा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन और कॉट की ही वैल्यू हमें पॉजिटिव रखनी है, इसके अलावा जो भी आए हमें नेगेटिव ही रखना है। इज इट क्लियर? देखो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय द आइडेंटिटी, साइन एक्स इक्वल टू होता है आपका वन माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का वन अपॉइंट टू का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस वन बाय फोर, साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, फोर में से वन गया तो थ्री बाय फोर, साइन स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन टू। अब यहां पर क्या,
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा साइन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर लिखना है क्या, सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सो साइन एक्स इक्वल टू माइनस के √3/2। ठीक है, नेगेटिव में हो गया। ठीक है साहब, क्यों हुआ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन आ गया, कॉस आ गया। अब टेन देखो, टेन एक्स इक्वल टू कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये तो हो गया साइन एक्स, और कॉस एक्स कितना है, माइनस के 1/2, तो माइनस के 2/1। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया, √3। टेन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे ही गोला लगा दीजिए। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, उसके बाद में कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है आपका 1/10x यानी √3। ये भी पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक। अब सेक थीटा क्या होता है, देखो सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x, cos माइनस के 1/2। घूमकर ऊपर चल गया, तो sec x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। अच्छा, -2 है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं क्या, कि sec जो है वो नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, और तो नेगेटिव ही है, तो ठीक है इसी पे ही गोला लगा दो आंसर। उसके बाद में cosec तो क्या होता है, 1/sin। 1/sin कितना है अपना, -√3/2, -√3/2। यहां पर cosec नेगेटिव ही रहता है, तो -2/√3, नेगेटिव ही तो है ये, तो आ गया हमारा आंसर। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आगे, अब देखिए आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, sec x इक्वल टू 13/5। 13/5, जहां x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। ये तो पहले का ही लिखा रह गया। हाँ देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ठीक है, sec x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो यानी कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको कॉस निकालिए, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/sec x, 1/13/5। कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 5/13। कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है आंसर। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² x। साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² x पर √ इक्वल टू 1 - cos² x, 5/13 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 1 - 25/169। 169 - 25/169 पर √, अभी भी चल रहा है देखो, 9 - 5 = 4, 4 = 1, सही है। अरे सही है क्या, ठीक है 169, ये कितना हो गया, 12/13। लेकिन 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 साइन एक्स इक्वल टू आ तो गया, लेकिन ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर ही देखा जाए तो यहाँ पर ही, तो ये आपका प्लस माइनस में चलेगा, ये ना भूलें आप। अच्छा, अब हम कौन सा लेंगे, हम वो लेंगे जो क्वाड्रेंट कहेगा। क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, फोर्थ में हूँ साहब, तो फोर्थ में तो कॉस जो साइन जो है वो नेगेटिव का है, तो इसलिए यहां पर भी लिख देनी है, सिंस एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिख दो, देखो सिंस एक्स इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है, तो आपका साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -12/13। क्लियर, ठीक है साहब, नेगेटिव हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन, टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन अप एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये तो हो गया साइन एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स 13/5, -12/5, 10x इक्वल टू। अच्छा, एक बात तो ये,
दूसरी बात, टेन में जो है वो नेगेटिव, तो टेन में नेगेटिव, तो टेन तो वैसे ही नेगेटिव है यहाँ पर, तो है ही नेगेटिव, ठीक है। कॉट एक्स 1/10x, तो 1/-12/5, कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -5/12, क्लियर, ठीक है। टेन हो गया, कॉट हो गया, अब sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, 1/cos x क्या है, 5/13, sec x इक्वल टू कितना हो गया, 5/13/5, sec यहाँ पर नेगेटिव का है क्या, नहीं है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ही लगा दो गोला। उसके बाद में क्या होगा, sec cos x, तो cos x इक्वल टू क्या हो गया, 1/sin x, साइन एक्स कितना है, ये रहा 12/13, हम कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला, क्योंकि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस का 12/13, और हम यहीं इसी के साथ यहाँ पर कोसेक भी नेगेटिव का ही रहता है, तो कोसेक नेगेटिव का ही है, तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 13/12, क्लियर। ये इस तरीके से होंगे इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आपको बस कंसेप्ट को याद रखना है, उस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखो देखिए अब आगे क्या है, अब हम इसके और एक 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 क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे कॉमन सा क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले sin 765 डिग्री, ठीक है। देखो sin 765 डिग्री का क्या है, एक चीज देखो, sin 765 डिग्री, ये 765 तो 720 के करीब है, और 720 क्या होता है, 4π, 4π होता है ना, हिंदी बोलते हैं ना 4π, अरे 4π दो होती है हिंदी में, एक तो 4π होता है और एक 4π खाट को भी बोलते हैं ना, ऐसी मेरे घर में तो नहीं है। देखो तो साइन कितना है, 4π प्लस कितना हो जाएगा, 45, 45 को क्या, 4π प्लस π/4, कैसे पता चला, ऐसे पता चला, देखो 4π कितना होता है, 720, 4 और π/4 कितना होता है, 45, 720 और पाई और 45 कितना होता है, 765, ठीक है, ठीक है। चीज उससे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज समझो, देखो sin 2n π+ -θ क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको पता है देन आप कर सकते हैं, sin cos 10 सबका आपको पता होना चाहिए कि 2n π+ -θ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर प्लस माइनस हो, अगर जैसे मान लो प्लस हो तब भी sin θ ही रहेगा, है ना, मतलब प्लस माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो प्लस है तो प्लस ही रहेगा साइन का, और नेगेटिव है तो sin -θ, और sin -θ क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो sin -θ, cos -θ, tan -θ, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात तो, इसी के साथ sin cos 10, cot -θ, sec -θ और cosec, ये -θ, ये -θ का क्या लॉजिक है, अगर आपको ये पता है तो ये समझ में मजा आएगा। देखो नेगेटिव में जब भी थीटा चलता है, तो हमने मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में जब भी कोई चीज चलती है, जैसे मान लो देखो एक चीज देखो, 0 से π/2 यहां थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा नहीं है, हमें तो घटाना है, तो जब घटाएंगे तो वो चीज कहाँ आ जाती है, आपकी क्लॉकवाइज में आ जाती है, ठीक है। तो साइन, और अच्छा यहां पर इस जगह पर बेसिकली थीटा यहाँ होता है आपका, शुरुआत यहीं से ही तो होती है, तो यहाँ कुछ क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ही घटेगा, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए cos-θ cos θ ही होता है, ठीक है, और एक sec-θ sec θ ही होता है, इसके अलावा बचे हुए सारे नेगेटिव बाहर आ जाते हैं, cosec θ, माइनस का cot θ, माइनस का tan θ और माइनस का sin θ, एक बात तो ये हो गई, ठीक है साहब। अब ये अगर ऐसा होता है तो अब इस पे आ जाते हैं, तो ये प्लस माइनस होता है, यानी प्लस होगा तो प्लस का थीटा हो जाएगा, -θ तो sin-θ, तो माइनस बाहर लेके sin θ लिख देंगे आप, cos-θ क्या होता है, देखो cos
होता तो वही है प्लस माइनस थीटा, होता तो सब में यही है देखा जाए तो एक चीज, क्योंकि हर 2n पाई के अंतराल के बाद में वैल्यूज रिपीटेड रिपीट होती है, वैल्यूज रिपीट होती है। उसके अलावा आप एक चीज ये याद रखें, जैसे यही काम है ना सेम एज इट इज फिनोमिना, जो आपका साइन कॉस्टेंट कॉट सेट कॉसेट सब में यही फिनोमिना चलेगा आपका, ठीक है ना। एक बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा ये तो प्लस माइनस, अगर प्लस हुआ तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस हुआ तो ये तो माइनस में भी प्लस का ही हो जाता है, तो इसको आपको कॉस थीटा ही लिख देना है। क्लियर, ठीक है साहब। ये टेन का हो गया, यही काम आपको कॉट सेक कोसेक में कर देना है, वही प्लस माइनस। अच्छा कॉट देखो एक चीज, अभी भी 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है वो कॉट प्लस माइनस थीटा ही होता है, सेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा सेक प्लस माइनस थीटा ही होता है, लेकिन वो सेक भी उल्टा होता है कॉस का, तो इसलिए वो भी किसका हो जाता है, सेक थीटा ही हो जाता है वो, ठीक है। और कॉसेक 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक सेक तो सेक, अच्छा हाँ ठीक है, कोसेक में ही होता है और वही प्लस माइनस थीटा। अब ये तो साइन की तरह चलता है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहां पर ये देखा कि कॉस और सेक ही प्लस माइनस होने के कारण प्लस ही रह जाते हैं, उनका मेन फिनोमिना यही है, ठीक है ना। ठीक है, अब इस कारण से आपका ये जो क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, साइन 765 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साइन 765 को आप क्या लिख सकते हो, 720 प्लस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 720 अभी डिग्री है, अब इसको रेडियन में करेंगे तो वही 4 पाई, ठीक है, प्लस 45 होता है बेटा π/4, π/4, ठीक है। अब ये 2n पाई की ही तो फॉर्म है, अरे इसे मैं इस 4 पाई जो है इसको 2 × 2π नहीं लिख सकता क्या मैं, है तो 2n पाई की फॉर्म हो गई, वेयर एन इक्वल टू 2 ले लो, तो 2n पाई प्लस थीटा, प्लस होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है साहब, और साइन का थीटा ही रह जाएगा, तो ये थीटा ही रह गया, तो साइन π/4, और साइन π/4 की वैल्यू आप जानते हो अच्छे तरीके से, 1/√2, 1/√2, इस तरीके से इसकी वैल्यू चलती है। क्लियर, ठीक है, इस पर आप इसको भी एक बार नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, आइडेंटिटीज का बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि आप इसको है ना जो इसकी किस तरीके से बने हैं ना, अगर आप आपको वो पता है ना तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होगे, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ ये तो मैं, ठीक है ना। देखो अब एक चीज, जैसे और एक पर अपन बात करें तो 10 19 पाई अपॉन 3, 10 19 पाई अपॉन 3, 10 19 पाई अपॉन 3 का यह है कि 10 इसको क्या लिख सकते हो आप, ये देखो 10 6 पाई प्लस लिख सकते हो या माइनस लिख सकते हो, देखो -π/3 लिख, ये लिखे या प्लस लिखे, देखो 3 6 18, 18 में से तो ये लिख दो, ये तो देखो 3 6 18 और 1 19 π/3, ठीक है। तो देखो अब ये भी वही 2n π की ही फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया था प्लस है तो प्लस ही रहता है, तो इसका क्या लिख देंगे, 10 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है वो 10 प्लस माइनस थीटा में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही ये 2π की ही फॉर्म है एक तरीके से, तो प्लस माइनस थीटा तो ये प्लस है तो प्लस में ही हो जाएगा, तो 10π/3। अब 10π/3 कितना होता है, देखो π/3 जो होता है ना वो असल में वो 60 होता है, 60 होता है, ठीक है। अब 10 60 कितना होता है, वो अगर आपने अभी भी रट रट के घूम फिर के इतनी बार 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 बार, अगर आपने अगर आपको अच्छे से पता हो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ले दे के तीन वैल्यू जरूर यूज में आती थी, 10 30 45 60, 10 30, 10 45, 10 60 की तो वैल्यू यूज में आती ही आती थी, तो वहां से आप अगर आपने लर्न की है तो आपको याद अच्छे से होगी कि वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की √3 वैल्यू होती है, तो ये कितनी आ गई, √3 आंसर। क्लियर, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, और एक क्वेश्चन,
साइन कोसेक का ले लेते हैं अपन, कोसेक माइनस के 1410, कोसेक माइनस के 1410। देखो इसमें क्या है, कोसेक माइनस के 1410 डिग्री, यही है क्या क्वेश्चन? ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। तो कोसेक माइनस का थीटा, तो पहले तो ये देखो माइनस का कोसेक थीटा होता है, तो माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद में और एक बात, क्या ये है कितना, ये देखो आप, तो आप इसको है ना 720 का 2 टाइम याद रख सकते हो। 720 का 2 टाइम, 720 मैंने अभी अभी आपको बताया, 720 होता है 4 पाई, तो ये कितना हो गया लगभग आपका 8 पाई। अब वो 720 का 2 गुना कितना होता है, 720 का 2 गुना होता है 1440, 1440 में से 30 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो माइनस तो अपनी जगह कॉसेक वो 4 पाई था, तो वो ये 8 8 पाई माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा बोलो, 30 होता है तो वो कितना हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। वही कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, तो वो कितना होता है माइनस में हो जाएगा, तो कॉसेक कितना हो जाएगा देखो माइनस में ही होगा, अगर ये माइनस में तो ये भी माइनस में ही होगा, माइनस में कितना हो जाएगा, अब कॉसेक माइनस का कॉसेक पाई बाय 6, अब वही फिर से भाई इसे ये पॉजिटिव बना देगा, तो वो कितना हो जाएगा कॉसेक पाई बाय 6। अब कॉसेक पाई बाय 6 यानी कॉसेक 30 कितना होता है, वही होता है जो साइन 30 का उल्टा होता है। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2, आंसर क्लियर। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है। देखो इसमें क्या है, तो बेसिकली हमें इतना जितना चाहिए था ना उतना तो आ गया। अब हम बात करते हैं, या फिर ये देखो आप एक चीज देखो, आप इसके और क्वेश्चन जो है वो आप एक बार इसके ट्राई करना, कोई भी डाउट हो वो आप इसके लिए मुझसे पूछना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपके साथियों को ये वीडियो जितना हो सके उतना पहुंचाओ, उनको बताओ कि रिजल्ट आने में या इनमें को इन चीजों में कोई मुहूर्त नहीं होता पढ़ाई करने का, ठीक है ना। तो आराम से इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपका बहुत हद तक इसमें भला हो जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।